अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं फारिया सिद्दीकी, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी वो है मेरे पास हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन और उसके साथ ही है कॉम्पैक्ट पाउडर। हमारे पास फेस पाउडर होगा और हुदा ब्यूटी का जो है फाउंडेशन है, आज मैं उसका रिव्यू करूँगी। तो आई होप मेरा ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करने, कमेंट्स के अपने प्यारों के साथ शेयर करना, एम ए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कर चुके हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके साथ जो बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इनबॉक्सिंग। तो ये है मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि ग्रीन टी वालों का है, और ये मेरे पास है हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, वाइटनिंग फाउंडेशन है ये। तो पहले हम कॉम्पैक्ट पाउडर देख लेते हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन को देख लेंगे। तो ये इस तरह की कुछ इसकी तरह का इसका बॉक्स बना हुआ है, ये देखें नीचे हमारे, ये देखें ये इसके नीचे इसकी एक्सपायरी डेट दी गई है, और ये है मेड इन पीआर सीके की है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमीन फेस पाउडर है, मैंने खुद यूज़ किया, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। ये तो इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, प्लास्टिक का है ये। एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा बुरी लगी है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें मिरर नहीं है। तो मिरर जब नहीं होता फेस पाउडर में हम लगा नहीं सकते, कैसे लगाएंगे हम उसको देखे बगैर। तो ये इस तरह पास फेस पाउडर है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन होता है, ठीक है। ये इसका प्लास्टिक है, नीचे गिरा तो ये फ़ौरन से टूट जाएगा, बहुत नाजुक है, इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। ये देखें इस तरह से इसके बैक के ऊपर लिया हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने बहुत कुछ, जो कि अभी मैं अगर रीड करने बैठ जाऊँ ना इनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। आपके पास इतना टाइम होता है देखने का, आपको बस मेन मेन पॉइंट आपको मैं बताती हूँ ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, छोड़ो अब हम देख लेते हैं। ये देखें टू इन वन है ये अमेजिंग चीज़ है इसकी। ये देखें इस तरह से कम्फर्टेबल होकर खुल जाता है ये, और ये बंद भी हो जाता है। तो ये जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है ये जो हमारे पास ये पोर्शन है ना, ये देखें ये इसके नीचे इसकी एक्सपायरी डेट दी गई है, और ये है मेड इन पीआर सीके की है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाउंडेशन फाउंडेशन कह रही, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फेस पाउडर है, मैंने खुद यूज़ किया, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। ये तो इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, प्लास्टिक का है ये। एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा बुरी लगी है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें मिरर नहीं है। तो मिरर जब नहीं होता फेस पाउडर में हम लगा नहीं सकते, कैसे लगाएंगे हम उसको देखे बगैर। तो ये इस तरह, तो ये मेरे पास फेस पाउडर है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन होता है, ठीक है। ये इसका प्लास्टिक है, नीचे गिरा तो ये फ़ौरन से टूट जाएगा, बहुत नाजुक है, इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। ये देखें इस तरह से इसके बैक के ऊपर लिया हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने बहुत कुछ, जो कि अभी मैं अगर रीड करने बैठ जाऊँ ना इनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। आपके पास इतना टाइम होता है देखने का, आपको बस मेन मेन पॉइंट आपको मैं बताती हूँ ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, छोड़ो अब हम देख लेते हैं। ये देखें टू इन वन है ये अमेजिंग चीज़ है इसकी। ये देखें इस तरह से कम्फर्टेबल होकर खुल जाता है ये, और ये बंद भी हो जाता है। तो ये जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है ये जो हमारे पास ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो, तो ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा हमारे पास, ये हमारे पास आता है दिन के लिए, मतलब जब हम डे मेकअप कर रहे होते हैं तो ये उसके लिए यूज़ आएगा। हमारा फेस बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल दिखेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हम ऐसा मेकअप करते हैं कि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, पहली बार देखते हैं उससे अट्रैक्शन फील हो। तो ये बिल्कुल वैसे वाला फेस पाउडर है, और ये लगाने से आपका मुँह के ऊपर बिल्कुल उठा उठा, बाज़ अवकात ऐसे होते हैं हमारे पास फेस पाउडर तो हमारे फेस पर उठे उठे ऐसे लगते हैं जैसे हमने वो बच्चों का पाउडर होता है ना वो लगा दिया फेस पर, इस तरह से रहते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा है, इसका ऐसा कोई सीन नहीं, आप लगाओगे तो आपके फेस के अंदर बिल्कुल जेल्स हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने इसमें। तो वो ये है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपका फेस का लुक आता है। और ये है हमारा, ये देखें ये है हमारा नाइट का, जब हम रात का मेकअप कर रहे होते हैं, जैसे हमें रात में शादी में जाना होता है तो ये उसके काम आएगा, ये हमारे फेस को रात के वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। अब इसके साथ वो भी मिला था मुझे फेस पाउडर, वो जो स्पंज होता है, ये देखो मैंने जब लगाया था मैंने उसके अंदर डाल दिया, ये हमारे पास के साथ बस ये स्पंज मिला, मिरर्स तो है नहीं, बस आई एम सो सैड, सो मिरर नहीं है इसमें, उसके बगैर काम नहीं चलता, फिर हमें और मिरर लेने पड़ता है। तो ये मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाऊंगी, पहले हम इससे पहले हम इनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब हमने इसको मैं रख देती हूँ इसके अंदर, मैं आपको इसको टेक्सचर चेक करवाऊंगी, लेकिन
थोड़ी टाइम बाद। पहले हम फेस वो देख लेते हैं फाउंडेशन वो कैसे, फिर उसके बाद हम इसका टेक्सचर। फाउंडेशन जो कि हमारे पास हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है हुदा की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है पैकेजिंग, इनके जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अमेजिंग पैकेजिंग होती है। हम अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ का तो हम उसकी पैकिंग देखते हैं, ये इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है तो इसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल होगा वो कितना अच्छा होगा। तो ये सी कुछ पैकिंग है, इस तरह से इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हुदा ब्यूटी वाइटनिंग फाउंडेशन क्रीम है ये हमारे पास। तो ये देखें इस तरह से है इसका नंबर, मैं आपको बता दूँ कोई अगर लेना चाहे तो वो ले सके आसानी से, तो वाइटनिंग योर नेचर। तो इसका नंबर हमारे पास आएगा 15, आप उसको बोलो 15 नंबर की दे रहे हैं हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन तो आपको दे देंगे। मैं अब इसका टेक्सचर आपको अपने हैंड पे चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना मैंने लिया है। अगेन बता दूँ ये मेरी स्किन टोन का नहीं है, ये बहुत डार्क कलर है। मेरी स्किन टोन होती है 1, जो कि मेरा फेस पाउडर का कलर था 1। ये देखें इस तरह से आप इसको, ये इस तरह से बस डैब डैब करके आप फेस पाउडर होता है या फिर फाउंडेशन स्टिक जो भी होता है डैब डैब करके यूज़ किया करें, इस तरह रगड़ के मसल की यूज़ नहीं करते, इससे आपकी जो बेस होती है वो फट जाती है। ये देखें ये इस तरह से, ये देखें कितना अच्छा मैंने उसको डैब किया। अगर आप जब उसको यूं इस तरह से जब आप लगाते हैं ना, आपके बाद में जो बेस होती है वो बिल्कुल फट जाती है, वो तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, आपकी शादी में जाए आपकी बेस फट जाए। इस तरीके से आपने इसको डैप डैप करना है। ये देखें ये लग चुका है, ये देखें डिफरेंस। अब आप ये देख के सोच रहे होंगे जो मेरा ओरिजिनल हैंड है वो जो है वाइट, ये थोड़ा सा डल हो गया, तो वो इसलिए हो गया। मैं आपको बताया था अभी 5 दिन पहले, मैंने बताया कि ये मेरी स्किन टोन का नहीं है, जो मेरी स्किन टोन का नहीं होता वो मेरी स्किन पे सूट भी नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं है मेरी स्किन टोन का। मेरी स्किन टोन है 1 कलर है, जो 1 हमारे पास होता है उसका जो भी कलर्स होते हैं वो मेरी स्किन टोन में फाउंडेशन में या फाउंडेशन वगैरह ले लें या तो फिर हमारे पास जो फेस पाउडर होते हैं, मैं नंबर जो उनका होता है ना वो F1 लेती हूँ मैं, उसके अलावा अदरवाइज कोई शेड नहीं लेती मेरे सूट पे, वो मेरे फेस पे वो सूट ही नहीं करते। मेरा वो सैलून है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था मेरा सैलून है, तो मेरे पास हर टाइप के अवेलेबल होते हैं फाउंडेशन और ये फेस पाउडर वगैरह। अब मैं आपको इसी के ऊपर कॉम्पैक्ट लगा के दिखाती हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर इस तरह से मैं इसके साथ भी लगा सकती हूँ, मैं उसके साथ भी लगा सकती हूँ, ये आपका होता है। ये देखें ये इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है, ये देखें। और इसकी मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊँ, हमारे पास जो नॉर्मल फेस पाउडर होते हैं वो जब आप उसके ऊपर यूँ करते हो ना, ये मैं आपको इसका चेक करवाती हूँ, ये देखो इस तरह से जो लगाते हो ना तो वो यहाँ पे ना पूरा फेस पाउडर जमा हो जाता है, बिल्कुल पाउडर सा आ जाता है, इस पर इतना नहीं आ रहा। आज इस पर राय के पाउडर तो डेफिनेटली आएगा, मगर वो जो होते हैं ना हमारे पास बाकी फेस पाउडर उसमें बहुत ही ज़्यादा आता है। इस तरह के इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करने ना अपने फेस पर, ये देखें। तो ये जिनकी स्किन टोन के हिसाब से ये और ये बेस्ट रहता है तो उनकी ये देखें बेस तैयार है। अब मैं आपको जस्ट अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मेरे हैंड पे अप्लाई करने से इसका क्या कलर आता है। अगेन आपने डैब डैब करके लगाना होता है, आप कुछ भी लगाएं आपने डैब करके लगाना है। ये देखें ये देखें, अब ये मेरे स्किन टोन के वो मैच कर रहा होगा बिकॉज ये मेरे स्किन टोन का ही है। ये हमारा एक शेड हो गया, सेकंड शेड भी मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूँ किस तरह से करना है, दिखा दूँ एक बार। ये देखें ये मेरा जो डे वाला था और ये मेरे साइड है नाइट वाले, अब आप खुद देखें इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे अमेजिंग बात है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और फिर भी आप जब भी अपने फेस के ऊपर कुछ यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप करने लगते हैं तो पहले आप प्राइमर यूज़ कर लिया करें, बहुत ही अच्छा है। जब भी मेकअप वगैरह करते हैं तो पहले आप प्राइमर यूज़ कर लिया करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा प्राइमर यूज़ करती हूँ। तो मैं जो प्राइमर यूज़ करती हूँ छोटू सा चुनू मुनू सा है सूफिया का, जो ये है मेरे पास प्राइमर, ये बहुत ही अच्छा है, जेल प्राइमर है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, अमेजिंग है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, आपका स्किन ख़राब नहीं होती बल्कि आपकी स्किन से सेफ होती है, क्योंकि हम इतना केमिकल लगा रहे होते हैं ना मेकअप में, इतना केमिकल होता है हम सोच नहीं सकते, तो वो हमारे स्किन के अंदर जाने से ही रोकता है।
अब बात यह आ जाती है कि जिनके पास प्राइमर नहीं होता अवेलेबल या ख़त्म हो जाता है या कुछ भी जिन्होंने अभी तक लिया ही नहीं है, तो वो क्या करें, वो क्या अप्लाई करेंगे मेकअप करने से पहले कि उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उनके के लिए छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं खुद भी करती हूँ, वो ये करेंगे कि वो एलोवेरा लें। एलोवेरा अपने फेस पे उतनी जो एलोवेरा है वो मटर के दाने की जितनी लेंगे, जितनी आप मटर का दाना होता है ना उतनी क्वांटिटी में आपने एलोवेरा लेना है, उतनी ही क्वांटिटी में आपने ये लेना है, हमारे पास जो है क्वांटिटी में ही आपने प्राइमर लेना है। तो आप जब वो लगाएंगे उसको लगाने के 5 या 10 मिनट के बाद अपना मेकअप करने स्टार्ट करें, बिकॉज वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, आपकी स्किन में चली जाए, और उसके बाद आपका मेकअप है 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग हो गया। 24 आवर्स से पहले आपका मेकअप यहाँ वहाँ तो जाने वाला ही नहीं है, सवाल नहीं पैदा होता कि यहाँ वहाँ चला जाए, वो आपके फेस पर टिका रहेगा और बहुत ही अच्छी आपकी स्किन रहेगी। और ये फाउंडेशन, ये जो हमारे पास फेस पाउडर है, इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी है, मैं पहले इसकी पैकेजिंग पे बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल लड़की ले रही है ना घर पे रोज़ यूज़ करने के लिए, तो ये उसका मतलब 3 मंथ्स 4 मंथ्स आराम से ही चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा है, एक तो बड़ा बहुत है ये देखें, और ऊपर से 2 इसके लेयर्स हैं, तो दोनों लेयर भरी हुई हैं और अच्छी खासी इसकी मोटी तय है लेयर्स की, तो ये आराम से उसका मतलब 4 महीने तक तो आराम से जाएगा, मैं तो लिख के दे सकती हूँ ये बात। और मेरे पास तो ये 1 महीना चला जाए बड़ी बात है, क्योंकि पाउडर में होता है ना बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है, तो चला जाए 1 महीना बड़ी बात है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी, आपके लिए को बहुत हेल्पफुल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल भी रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, अपने प्यारे प्यारे के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कर चुके, थैंक यू सो मच। जाने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो जो हमें